नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के दैनिक राशि भविष्य के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कालसर्प दोष का तीसरा प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं वासुकी कालसर्प दोष। वासुकी कालसर्प दोष का एग्जैक्टली क्या फॉर्मेशन होता है, उसका वो कैसे बनता है, वो मैं आपको पत्रिका में ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पुरुष व्यक्ति की पत्रिका है। यहाँ पर आप देखेंगे राहु के साथ में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, जो तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान में राहु की उपस्थिति, अभी जब भी तीसरे स्थान में राहु की उपस्थिति है तो केतु बराबर उसके सामने के घर में होता है 180 डिग्री के ऊपर। और केतु आप यहाँ पर देख रहे हो जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये 12 नंबर मीन राशि है। तो राहु की उपस्थिति तीसरे स्थान में और केतु की उपस्थिति 9वें स्थान में यानी भाग्य स्थान में, ये जो बनता हुआ कालसर्प दोष होता है और इसके एक ही साइड में सभी ग्रहों का आ जाना, ये जो पूरा कालसर्प दोष होता है उसको वासुकी कालसर्प दोष बोलते हैं। वासुकी कालसर्प दोष वैसे तो जिनको स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा दोष योग है ये। लेकिन ये योग भौतिक सुखों के लिए या अपने गृहस्थी जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की तकलीफ दे सकता है, साथ में जो गृहस्थी जीवन की तरफ जो उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां में कहीं ना कहीं पर वो लापरवाह हो जाता है, या तो वो जिम्मेदारियां सही तरह से निभा नहीं पाता, उसके कारण उनके जो पारिवारिक जीवन होता है, उनका व्यावसायिक जीवन होता है, उनका आर्थिक जीवन होता है, उसमें उनको बहुत ही दिक्कत महसूस करनी पड़ती है। तो आपकी भी पत्रिका में ये वासुकी कालसर्प दोष हैं या नहीं है, अगर हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर मैसेज करके हमें बता सकते हैं आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। उसके ऊपर से हम लोग आपको बताएंगे कि आपकी पत्रिका में वासुकी कालसर्प दोष है या नहीं है, और अगर है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। खैर, आइए आज के हम लोग मुख्य विषय के ऊपर चलते हैं। आज के इस दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में हम लोग जानेंगे दिनांक 20 अगस्त 2021 शुक्रवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज कार्यक्षेत्र में कामकाज का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस होने की संभावनाएं बनेंगी, और उसके कारण मन व्यग्रता या तो मन में व्यथा चलने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। थोड़ा मानसिक संतुलन अपना मजबूत बना के रखिएगा। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ में मतभेद होने की संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका व्यावसायिक जीवन है उसमें जो आपको मानसिक व्यग्रता महसूस होगी, उसके कारण पारिवारिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में मतभेद होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। जो आपके व्यावसायिक जीवन के जो व्यथा हैं उसको आप पारिवारिक जीवन से ना जोड़ें, उसका आज आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। सेहत के हिसाब से कमर का दर्द महसूस होने की संभावनाएं हैं, खास करके कमर का दर्द यानी जो अपने पीछे की करोड़ के मणके हैं, वो करोड़ के मणके में कहीं पर भी दर्द होने की संभावनाएं रहेंगी। थोड़ी सतर्कता बरतिएगा, हो सके तब तक ज़्यादा वजन उठाना या तो अचानक से अपने कोई भी परिस्थिति को, अपनी जो मूवमेंट होती है वो शरीर की, वो शारीरिक मूवमेंट को अचानक से बदलने की आज कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा ये दर्द होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज का दिन तेजी दर्शाने वाला रहेगा, खास करके जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, फिर वो शेयर बाजार में अपना खुद का व्यापार चलाते हों या तो शेयर बाजार में जो नौकरी करते हों, वो उन सब लोगों के लिए आज के दिन में शेयर बाजार काफ़ी अच्छा फायदा लेकर आएगा। आपको काफ़ी अच्छा फायदा तो हो सकता है, लेकिन वो फायदा जो है उसको आप आगे भविष्य में भी काफ़ी अच्छे तक संभाल सकते हो, चला सकते हो, वैसी भी परिस्थिति बनेगी। पारिवारिक जीवन में आज हो सके तब तक किसी भी प्रकार के बेवजह यानी बिना कोई कारण तर्क वितर्क में ना उलझे, अन्यथा परिस्थिति जो है वो आपके काबू के बाहर होती जाएगी। जो छोटी छोटी गलतफहमियां होती है, छोटी छोटी जो तकरारें होती हैं, उसको आज नज़रअंदाज करना आपके लिए ज़्यादा सलाहदायक रहेगा। सेहत के अंदर खान पान में अनियमितता ना हो वो थोड़ा संभाल लीजिएगा, अन्यथा पेट से संबंधित या तो चयापचय से संबंधित क्रिया का आपको तकलीफ हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण पेट विकार की संभावनाएं बन रही हैं। और खाने की नियमितता यानी खाने पीने में जो आपको परहेज करना है वो परहेज करना है, और खाने पीने का जो समय है उसको संभाल के चलिएगा। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर।
मिथुन राशि वालों को आज व्यवसाय संबंधित कुछ अच्छे लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ही लंबे समय से कोई पार्टी के साथ में आपकी कोई सौदे के लिए बात चल रही हो, खास करके व्यापारी वर्ग के लिए, उनको आज के दिन में वो बात जो है वो साकार होते हुए दिखाई देगी और उसके कारण आपकी जो भविष्य में आने वाली आर्थिक योजनाएं हैं उसमें आपको काफी फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता भरा माहौल दिखाई दे रहा है, कोई महत्वपूर्ण चिंताजनक घटना होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सेहत में जिनको हृदय विकार की तकलीफ है या तो किसी को भी अस्थमा की तकलीफ है उनको आज थोड़ी सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज अपना जो पेमेंट है, आपका कोई पार्टी के पास से पेमेंट लेने की कंडीशन है तो वो पेमेंट संबंधित आज आपको भागदौड़ रहने की संभावनाएं बनती हैं और उसके कारण मानसिक अस्थिरता भी महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ बहस होने के आसार दिख रहे हैं, हो सके तब तक किसी भी परिस्थिति में आप अपने जो आपकी जो संवेदनशीलता है आपके जीवन साथी के प्रति या तो आपका प्रेम है उसको कम ना होने दें और अगर परिस्थितियां विपरीत पैदा होती है तो उसको अपने प्रेम और संवेदनशीलता के साथ में उसको थोड़ा आसानी से टेकल करें ताकि वो अपने आपके काबू में रहेगी। सेहत के मामले में जिनको करोड़ के गले के मणके के साथ में तकलीफ है यानी सर्वाइकल की तकलीफ है उनको आज थोड़ी सतर्कता ज्यादा बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों को आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज हिसाब किताब से संबंधित बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा किसी भी प्रकार की अगर भूल चूक हुई तो आर्थिक दृष्टि से आपको उसका खामियाजा या तो नुकसान भुगतना पड़ सकता है। किसी पार्टी से पेमेंट आपका समय पर न आने के कारण आपकी आर्थिक परिस्थिति डामाडोल हो सकती है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ने की संभावनाएं हैं। हो सके तब तक थोड़ी सावधानी बरतिएगा। पारिवारिक माहौल प्रसन्नता भरा और खुशनुमा भरा दिखाई दे रहा है। सेहत के अंदर जिनको सरदर्द की तकलीफ है या तो जिनको माइग्रेन से संबंधित कोई भी बीमारी होती है उनको और साथ में जिनको दांत का दर्द है या दांत से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत है उनको आज ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा परेशानी आपकी लंबे समय तक चलेगी। थोड़ी सतर्कता बरती है बरत के उसके प्रति लापरवाह मत रहिएगा। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में व्यावसायिक नया कुछ काम आएगा उसके संबंधित या तो पेमेंट के संबंधित उठापटक चलने की संभावनाएं बनती हैं, खास करके जिनका व्यापार किसी भी प्रकार की साझेदारी में है यानी पार्टनरशिप में है उनको आज अपने वर्ताव में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा पार्टनर्स के साथ में रिश्तों में खटास आते हुए दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। सेहत के अंदर जिनको आज प्रवास करना है वो फिर आपका व्यावसायिक दृष्टि से प्रवास हो या आर्थिक दृष्टि से प्रवास हो या तो सामाजिक दृष्टि से प्रवास हो, पारिवारिक प्रवास हो, किसी भी प्रकार का प्रवास हो, प्रवास के अंदर आज आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, अन्यथा कोई पुरानी चोट या जख्म आपको दर्द महसूस करवा सकता है। ऐसे ही संयोग बन रहे हैं। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में आज का जो दिन है वो बहुत ही रुकावटों भरा और अड़चनों भरा दिखेगा। व्यावसायिक परेशानियां आपके सामने विविध रूप से आती रहेगी जिसके कारण आपको मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन मत खोइएगा, मानसिक संतुलन मजबूत बना के रखिएगा। आज आपका जो पारिवारिक जीवन है वो पारिवारिक जीवन में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में भी आपका जो व्यावसायिक तनाव है उसके चलते पारिवारिक जीवन की विषम परिस्थितियों में भी आपको मानसिक संतुलन बना के उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही संयमता के साथ में आपको उसको संभालना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले। सेहत के अंदर हो सके तब तक आपकी जीवन शैली के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव आज ना करें या तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, अन्यथा गिरने या तो ठोकर लग जाने के कारण चोट या जख्म होने की संभावनाएं बनती हैं। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र के अंदर ज्यादा बिक्री होने से मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी, साथ में धन लाभ भी काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक सिलसिले में आने वाले कुछ नजदीक के भविष्य में कोई व्यावसायिक प्रवास भी होने की संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक जीवन में सभी सदस्यों के बीच में अच्छा तालमेल और एक दूसरे के प्रति सहकार की भावना बनी रहेगी जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी। सेहत के अंदर
जो कंधों के अपने जोड़ हैं उसमें दर्द होने की संभावनाएं हैं, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज व्यवसाय में तेजी दिखेगी। किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या तो कॉन्ट्रैक्ट पर आज बात भी होने के संयोग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट यानी कागजात के ऊपर अगर साइन करने का आपको मौका मिले तो वो वैसे समय पर आपको जो उसमें लिखे हुए जो भी शर्तें होंगी या उसमें लिखे हुए जो भी क्लोजेज होंगे वो बराबर 2 बार 3 बार ध्यान के बाद में साइन करिएगा। अगर जल्दबाजी में साइन कर दी या किसी के ऊपर अंधा विश्वास रख के आपने अगर साइन कर दी तो हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार की जालसाजी या तो षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। सेहत के अंदर मांसपेशियों में खिंचाव होने की संभावनाएं बनती हैं। आज दिन भर में आप जो भी कार्य करेंगे हो सके तब तक ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में अपनी मूवमेंट को चेंज ना करें, शारीरिक मूवमेंट को चेंज ना करें और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ज़्यादा लंबे समय तक एक ही परिस्थिति में रहकर कार्य करना आज थोड़ा त्याग कीजिएगा, अन्यथा मांसपेशियों में खिंचाव महसूस और उसके हिसाब से दर्द महसूस होने की संभावना है स्वाभाविक रूप से बन रही है। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आपकी जो मेहनत है वो मेहनत के अंदर भाग्य का भी आपको सहयोग काफी अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है और कार्यक्षेत्र के अंदर इसके कारण आपका जो कार्य है वो बहुत ही सुगमता के साथ में आज होने वाला है। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जीवन साथी का सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहा है जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी। सेहत के अंदर शारीरिक थकान या तो पैरों में दर्द महसूस होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज आर्थिक हानि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से आज आपको मानसिक संतुलन आपका थोड़ा बहुत ही स्ट्रोंग बना के रखना पड़ेगा, अन्यथा मानसिक अस्थिरता होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी पार्टी के पास से जो व्यापारी वर्ग है, कुंभ राशि वाले जो व्यापारी वर्ग हैं उनको किसी पार्टी का पेमेंट फंस जाने के कारण या तो आपने जो माल की बिक्री की है वो माल की बिक्री वापिस आने के कारण आपको ज़्यादा मानसिक अस्थिरता महसूस होने की संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक जीवन में हास परिहास और खुशनुमा भरा माहौल चलता रहेगा। सेहत के अंदर खाने पीने में ज़्यादा मसाले वाला या तो ज़्यादा वायु प्रकोप पैदा करने वाला पदार्थ आज कम करें, खास करके जिनको पाइल्स की तकलीफ है उनको आज थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को आज के दिन कार्यक्षेत्र में अच्छा बिक्री वाला दिन जाएगा और साथ में आपकी आर्थिक परिस्थितियां भी सुधरने की परिस्थिति दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है, साझेदारी का व्यवसाय है, उनको आज पार्टनर्स के साथ में मनमुटाव होने की आशंकाएं हैं। हो सके तब तक अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिएगा और कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से का आज आपको त्याग करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में जीवन जो आपके जीवन साथी हैं या तो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में हुए कोई भी किसी भी प्रकार के गिले शिकवे होंगे वो आज दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण जो माहौल है वो बहुत ही प्रसन्नता भरा और खुशियों भरा होता हुआ दिखाई देगा। सेहत के अंदर आज किसी भी प्रकार का भारी वजन उठाने से आज आपको बचना है और लंबे समय तक किसी भी एक ही परिस्थिति में रह के काम ना करें, अन्यथा नसों का खींच जाना या तो नसों का जकड़ जाना उसके कारण होने वाली दर्द या तो परेशानी से आज आपको ग्रस्त होना पड़ सकता है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। तो मित्रों ये थी दिनांक 20 अगस्त 2021 शुक्रवार के दिन के दैनिक राशि भविष्य की जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ में हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। मित्रों ऐसी ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन और आपके जो जीवन साथी हैं आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब सेहतमंद रहें, इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।